नारियल की बर्फी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इसे तैयार करने में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। नमस्कार, इंडियन फूड में डीजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आसान और स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे। तो आज की वीडियो है नारियल की बर्फी रेसिपी। त्योहारों के सीजन के चलते अगर घर पर ही आपको कोई झटपट मिठाई तैयार करनी है तो नारियल की बर्फी रेसिपी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए लाइक बटन को जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नारियल की बर्फी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप जरूर देख पाएं। नारियल की बर्फी रेसिपी के लिए हमने लिया है कंडेंस्ड मिल्क, जिसको तैयार करने के लिए हमने लिए हैं 4 कप दूध और 1/2 कप चीनी। कंडेंस्ड मिल्क रेसिपी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा हमने लिया है नारियल का बूरा, बारीक काटे हुए बादाम, बारीक काटे हुए काजू और इलायची, जिसको भी हम बारीक पीस लेंगे। अगर आप हमारे इस्तेमाल की गई चीजें देखना या खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। नारियल की बर्फी रेसिपी के लिए सबसे पहले तैयार 1 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क को एक गर्म कढ़ाई में डालें। इसमें करछी लगातार चलाते रहें। अब इसमें 3 कप नारियल का बूरा डालें और अच्छे से मिला दें। धीरे धीरे नारियल का बूरा सारा कंडेंस्ड मिल्क सोख कर ड्राई सा नजर आने लगेगा। अब इसमें पीसी हुई 5 इलायचियां डाल दें और 6 से 8 बारीक काटे हुए काजू डालकर अच्छे से मिला दें और नारियल की बर्फी का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब दूसरी तरफ एक फ्लैट ट्रे या प्लेट में देसी घी से ग्रीसिंग कर लें और इसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर डालकर फैला लें। इस मिक्सचर को धीरे धीरे दबाकर इस तरह से एकदम प्लेन कर लें। अब हम इसकी इस तरह से बर्फियां काट लेंगे। हर पीस के ऊपर थोड़े बादाम लगाकर सजा दें। बादाम को थोड़ा दबाकर बर्फियों पर अच्छे से चिपका दें। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। नारियल की बर्फी बनकर तैयार है। बर्फी के पीसेस इस तरह से काटकर निकाल लें। स्वादिष्ट घर की बनी हुई नारियल की बर्फी सर्व करें। उम्मीद है आपको हमारी नारियल की बर्फी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद। Thank you.